गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका EBS का लेसन नंबर 11 है, अर्थ के बारे में। कल हमने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा था, एक्सोस्फेयर के बारे में, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब द मॉडल ऑफ अर्थ, जो एक अर्थ का एक मॉडल होता है, जो अर्थ की तरह बिल्कुल दिखता है। There are 7 continent, ocean, different countries and many more physical features on earth. यानी कि अर्थ पे 7 continent पाए जाते हैं, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, ओशियन महासागर पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, फीचर्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द पोजिशन विदाउट नोइंग द डायरेक्शन। इनकी पोजिशन, इनकी स्थिति को बताना बहुत कठिन हो जाता है अगर हमें डायरेक्शन के बारे में पता ना हो। अगर हमें दिशाओं के बारे में नहीं पता होगा तो हम इनकी स्थिति नहीं बता पाएंगे। वी टेक द हेल्प ऑफ ग्लोब, जिसके लिए हम ग्लोब की सहायता लेते हैं, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ग्लोब की सहायता से हम जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग देश हैं, उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं कि वो जो देश हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। ग्लोब इज अ राउंड बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट विद अ मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट। ग्लोब जो होता है वो एक गोल बॉल की तरह होता है, यानी कि गोल बॉल की तरह एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर पूरे संसार का मैप दर्शाया जाता है। इट इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, यह एक अर्थ का मॉडल होता है, अर्थ का एक प्रतिबिंब होता है। देयर आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सोन ऑन द ग्लोब डैट फ्रॉम ग्रीड, यानी कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, यानी कि ऐसी लाइन जो हमें दिखाई नहीं देती है, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती हैं और वर्टिकल लाइन बनाई जाती हैं। देखिए, जो सीधी सीधी होती हैं वो आपकी होती हैं वर्टिकल, और जो इस टाइप की होती हैं वो होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो लाइन ग्रीड की सहायता से, जैसे देखिए बहुत सारी लाइन्स हैं ना, इसे हम कहते हैं ग्रीड। ठीक है, ग्रीड की सहायता से ग्लोब पर इमेजिनरी लाइन बनाई जाती हैं, जो ग्लोब पर होती नहीं है लेकिन हमें दिखाई जाती हैं। द वर्टिकल लाइन्स डैट स्क्रैच फ्रॉम पोल टू पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, जो वर्टिकल लाइन होती हैं इस टाइप से, वो एक जगह से दूसरे जगह तक बनाई जाती हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन डैट सर्कल द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो यहाँ से बिल्कुल सर्कल बना देती हैं, जैसे ये बॉल है, ये ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई है, एक सर्कल बना देती हैं, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। देखिए, जो बिल्कुल सीधी होती हैं वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूड, और जो सर्कल से बना देती हैं वो होती है हमारी लैटिट्यूड। द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन आर सर्कल डैट स्क्रैच ऑल द वे अराउंड द अर्थ हैज ए इक्वेटर, और जो यानी कि इस टाइप से शो कर दिया जाता है, सर्कल्स पर स्क्रैच बना दिए जाते हैं जिससे अर्थ के रास्ते के बारे में पता चलता है। तो ये पैराग्राफ और ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।